14. Let T be the self adjoint operator on the finite dimensional inner product space E. Then prove करना है हमने कि जो statements क्या है equivalents है. Equivalents का मतलब क्या होता है, 1, 2 के equal है, 2, 1 के equal है, या 1, 2 के equal, 2, 3 के equal, 3, 1 के. इक्वलेंट का मतलब होता है कि सारे एग्जाम्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं. सो फर्स्ट क्या है, टी इज अ पॉजिटिव डिफाइंड. सेकंड क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर पॉजिटिव. थर्ड क्या है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पॉजिटिव डिफाइंड ऑपरेटर ए ऑन ई सच दैट टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर. फोर्थ क्या है, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्टिबल लीनियर ऑपरेटर एस ऑन ई सच दैट टी इज इक्वल टू एस स्टार एस. जो लास्ट वाले टू पार्ट्स हैं, मुझे इसका आंसर नहीं आता है. अगर आप किसी स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर लिया तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए. नाउ हम फर्स्ट टू पार्ट्स को प्रूव करते हैं. फर्स्ट क्या लिया है, वन इम्प्लाई टू, मींस कि जो वन इक्वेशन है वो क्या हम लेकर चले हैं सेकंड को प्रूव करेंगे. फर्स्ट क्या है, लेट इज पॉजिटिव डिफाइंड. देन प्रूव क्या करना है हमने, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर पॉजिटिव, मींस कि ग्रेटर देन जीरो है. लैम्डा किसके ग्रेटर देन है, जीरो है. सारे आइगन वैल्यूज हमारे क्या है, पॉजिटिव है. प्रूफ क्या करेंगे, टी एक्स कॉमा एक्स की इनर प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी. फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू ई. देन एक्स को क्या ले लिया हमने, ई आई पे अप्रोच कर दिया, जैसे हमने क्वेश्चन 13 में किया था. सो यहाँ पे पुट कर दिया ई आई ई आई. इसकी वैल्यू क्या होती है, लेमडाई ई आई कॉमा ई आई. लेमडाई को बाहर निकाल दे, क्योंकि हमने क्वेश्चन 13 में प्रूव किया है कि लेमडा क्या है, हमारा रियल है. सो लेमडा ई क्या आ गया, इसके ऊपर बार नहीं आएगा. इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन. जब इक्वल होते तो वन होती है, जब नॉट इक्वल होते तो जीरो. सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन. यहाँ पे आप रीजन भी दे सकते हो. सो हमारे लैम्डा ही सारे क्या बन गए, पॉजिटिव बन गए. अब हम टू इम्प्लाई वन करेंगे. टू इम्प्लाई वन किया तो क्या लिखा, ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव. दैट मीन्स लैम्डा किसके इक्वल है, ग्रेटर है जीरो के. यहाँ पे इक्वालिटी नहीं डालने, क्योंकि लैम्डा की रेंज क्या होती है, जीरो टू वन होती है. इसीलिए यहाँ पे इक्वालिटी हम नहीं डालेंगे. प्रूफ क्या करना है कि टी क्या हमारा पॉजिटिव डिफाइंड है. दैट मीन्स टी एक्स कॉमा एक्स की इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगी. वेयर एक्स कहाँ से लेते हैं हम, ई में से. और ई एक्स क्या हमारा वेक्टर स्पेस है, इसीलिए नॉट इक्वल टू जीरो होगा. सो प्रूफ करते इसको, टी क्या है हमारा सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो हमने थ्योरम लगा दी, जो क्या है, स्पेक्ट्रल थ्योरम. इसका जो रिजल्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरम ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. सो इसका रिजल्ट क्या है, देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से बी इज इक्वल टू ई वन ई टू ई एन ऑफ ई कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ टी. लेट कर लिया टी ई आई इज इक्वल टू लैमडा ई आई, टी ई टू इज इक्वल टू लैमडा टू ई टू एंड सो ऑन, टी ई एन इज इक्वल टू लैमडा एन ई एन. इसे दे दी क्वेश्चन नंबर वन. हमने लेट के किया है कि लैमडा हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, जो हमारी सेकंड कंडीशन थी. वेयर जो हमारा आई है वो कहां तक वेरी कर रहा है, वन टू एन. लेट कर लिया एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, जीरो ई को, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है. देन एक्स किसके इक्वल है, अल्फा वन ई वन प्लस अल्फा टू ई टू प्लस अल्फा एन ई एन. जो हमारे सारे अल्फा है वो किस में से लेते हैं, हमेशा फील्ड में से. और ई वन ई टू ई एन क्या होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं. एटलीस्ट वन अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो. जो ये अल्फाज हैं उसमें एक तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बाकी चाहे जैसे कि इसका मतलब क्या होगा, अल्फा वन इक्वल टू जीरो है, अल्फा टू भी इक्वल टू जीरो है, बट अल्फा एन इक्वल टू वन होगा. जैसे आइडेंटिटी में होता है, आइडेंटिटी में क्या होता है, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, हमेशा एक रो में तो नॉट इक्वल टू जीरो आता है. ऐसे आप बोल सकते हो कि ई क्या है हमारी
स्टैंडर्ड बेसिस है जिसमें एटलीस्ट वन ई अल्फा ई नॉट इक्वल टू जीरो है। सो आपने इसको ऐसे कंपेयर करके याद रखना है। नाउ टी एक्स कॉमा एक्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। आप मुझे कमेंट करना कि आपको मेरा समझ आता है या नहीं आता है, मैं आपको अच्छा पढ़ाती हूँ क्योंकि मैंने खुद से ही पढ़ा है, मुझे कॉलेज में ज्यादातर समझ नहीं आया है। टीचर से जो मैं पढ़ी वो मैं खुद से ही पढ़ी हूं। नाउ एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद फिर से ओपन कर दिया। टी किसके साथ लग गया? ई आई के साथ, क्योंकि अल्फा क्या होता है? हमेशा स्केलर्स होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी यूजिंग वन, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है टी ऑफ ई आई इज इक्वल टू लैम्डा ई आई। अगर आप ऐसे नहीं याद होता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो टी ऑफ ई आई इज इक्वल टू लैम्डा ई आई, क्योंकि टी हमेशा लैम्डा ई के इक्वल होता है। वेयर आई कहां से वेरी करेगा? वन टू एन। देन नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद क्या किया? यूजिंग वन, इक्वेशन वन हमारी यहां पे यूज कर ली। यहां पे स्क्वायर कैसे आया? अल्फा वन अल्फा, हाँ ठीक है, इसकी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा वन टू अल्फा वन अल्फा वन स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया? लैम्डा वन। जहां पे दोनों डिस्टिंक्ट आएंगे वहां पे क्या बन जाएगी? वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है डेल्टा आई जे की डेफिनेशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, वन अगर दोनों इक्वल होते हैं, अगर नॉट इक्वल होते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो है। इसी तरह हमारा ई आई जे है, जहां पे दोनों इक्वल है वहां पे हमारी वैल्यू क्या आ गई? अल्फा टू स्केयर अल्फा एन स्केयर। जहां पे दोनों नॉट इक्वल है वहां पे हमारी वैल्यू बन गई जीरो। सो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि इसके ऊपर क्या है? स्केयर है। सो हमारा क्या प्रूव हो गया? टी एक्स कॉमा एक्स की इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गए। आप प्लीज मुझे कमेंट करना कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो मेरा सेकंड चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर देना। सो यहाँ पे हमारा प्रूफ क्या हो गया कि हमारा जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन जीरो बन गया। दैट मीन्स टी क्या बन गया? पॉजिटिव डिफाइंड बन गया। सो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इसका सेकेंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो मैंने सॉल्व नहीं किया है। अगर किसी स्टूडेंट ने सॉल्व कर दिया हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। ग्रेजुएशन में मुझे करण सर ने पढ़ाया था, वो बहुत अच्छे ट्यूशन टीचर थे, जिसके कारण मेरा जो कंसेप्ट है मैथ के वो बहुत स्ट्रांग बन गए। मुझे ज्यादातर कॉलेज में समझ नहीं आया है क्योंकि कॉलेज में अच्छे से नहीं टीचर्स पढ़ाते, एक दो टीचर्स होते हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं, बाकी तो सारे ऐसे ही होते हैं। ज्यादातर एमएससी की ट्यूशंस नहीं होती, इसीलिए सारे स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ते हैं या खुद से पढ़ते हैं। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।